राधिकार भाव मूर्ति प्रभुरा अंतर से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर से ही राधार भाव लेन चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम करिला प्रचार। तो बोले कि वो श्री कृष्ण है लेकिन राधा का भाव लेके श्री राधार भावे वे गोरा अवतार हरे कृष्णा नाम गौर करिला प्रचार। तो बोले वो राधा का भाव लेके वही श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ है वो श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं और कीर्तन का प्रचार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई व्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। तो बोले कि वही ब्रजेंद्र नंदन से ही सचिसुत होइलो जई बलराम होइलो निताय। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि ब्रजेंद्र नंदन है वे आते हैं और साथ में बलराम को लेके आते हैं जो नित्यानंद है, अलग अलग अवतारों को लेके आते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जब उनके सामने आए तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने इस प्रकार से कह के पुकारा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनके बारे में क्या कहा गया है कि वे करुणा के सागर है, करुणा सिंधु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का लेकिन करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो जब इस रूप में आते हैं तो परम करुणा, तो वो बहुत ही ज़्यादा करुणामय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो इतना आसानी से प्रेम नहीं देते हैं। कृष्ण प्रेम हर किसी को आसानी से नहीं देते हैं और उनके साथ जो जैसा संबंध रखता है वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। और भगवान भगवद्गीता में भी ये बात कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरे पास जो इच्छा से लेके आता है मैं उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ। जैसे माली भगवान की सेवा करना चाहता था तो भगवान ने उसके साथ प्रेम का व्यवहार किया, लेकिन धोबी जो था वो भगवान के साथ युद्ध करना चाहता था तो भगवान ने उसको उड़ा दिया। चाणूर और मुस्तिक भगवान के साथ युद्ध करना चाहते थे, भगवान ने उनके साथ में युद्ध किया। कंस भगवान के साथ युद्ध करना चाहता था, भगवान ने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन गोपगण जो थे जो भगवान के साथ खेलना चाहते थे, भगवान उनके साथ खेले, उनके साथ उस प्रकार से आदान प्रदान किया। तो भगवान जो है अगर हम लोगों को देखेंगे ठीक है तो हमारी कोई योग्यता नहीं है भगवान के कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, है कि नहीं। जैसे अगर हमको कोई चीज़ चाहिए भी, अगर समझो हमको कोई चीज़ अगर एक्सेप्ट करना भी है तो हमारे पास वैसी योग्यता होनी चाहिए, वैसा पात्र होना चाहिए। अगर वैसा पात्र नहीं होगा तो हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं अगर ऐसे ही हालात में रहा कैसा कि कहूँगा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कि जो मेरे पास जैसी इच्छा लेके आएगा मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूँगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं अकेला ही खड़ा रहूँगा कोई आएगा ही नहीं मेरे पास में, क्योंकि कलयुग के अंदर हम लोग कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव है। भागवत में वो कहते हैं कलिर दोष निधे राजन, कि हे राजन कलयुग जो है वो पूरे पूरे दोषों का महासागर है, एक दोष नहीं है कलयुग के अंदर। आपने देखा है कलयुग के अंदर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है कि नहीं, कलह हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इतना प्रॉब्लम है लोगों को कि हर कोई कलयुग के अंदर एकदम बिल्कुल पिटा हुआ है कि नहीं। उस दुनिया के अंदर कोई भी सुखी नहीं है, आप जाके रास्ते में भी अगर किसी को पकड़ के देखोगे तो सब लोग दुखी हैं, ज़्यादातर लोग दुखी हैं, है ना। किसी का जॉब का प्रॉब्लम है, किसी का फैमिली का प्रॉब्लम है, किसी का बीमारी का प्रॉब्लम है। आप देखो उठा के किसी को भी पकड़ के उठा के देख लो, ऐसा तो लाइफ के अंदर नहीं मिलेगा कि उसका लाइफ पूरा एकदम अच्छी तरह से चल रहा है।
बहुत दुख है, इस दुनिया के अंदर बहुत दुख है, सभी लोग दुखों के अंदर तड़पते हुए हैं, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में आर्त की संख्या बहुत ज्यादा है, जो दुखी लोग है बहुत ज्यादा है, हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। क्यों? क्योंकि ये संसार उसी तरह से बनाया गया है, और संसार को बनाने के बाद भगवान ने इस पे सर्टिफिकेट दिया है, एक स्टैंप लगाया है और लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, है कि नहीं? तो आलय का मतलब होता है घर, जैसे जहां पर छात्र रहते हैं उसको क्या कहते हैं? छात्रालय, है कि नहीं? जहां पर रोगी मिलते हैं उसको कहते हैं रुग्णालय, है कि नहीं? जहां पर मदिरा मिलती है उसको कहते हैं मदिरालय, और जहां पर दुख मिलते हैं उसको कहते हैं दुखालय। तो ये जो है पूरा का पूरा दुख से भरा हुआ, हर कोई इस दुनिया के अंदर दुखी है, सुख पाने की कोशिश करता है लेकिन सुख मिलता नहीं है, और हर जगह से व्यक्ति तड़प रहा है यहाँ पे। और क्योंकि कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है जिसके अंदर लोगों की बुद्धि मंद है, यू नो, हमारी मेमोरी ढंग से नहीं है, हमारी आयु बहुत कम हो गई है, पहले लोग बहुत ज़्यादा जीते थे, अभी बहुत कम जीते हैं लोग, फिर आदमी की मेमोरी कम हो गई है, उसको ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है, कभी कभी समझ में भी नहीं आता है, आदमी की हाइट कम हो गई, उसकी साइट कम हो गई, बुद्धि कम हो गई, उसकी सहनशीलता कम हो गई, पहले लोग बहुत सहन कर लेते थे, अभी लोग सहन नहीं कर पाते, ऐसा इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉप ऑफ ए हैट, ऐसा खाली टोपी गिराओ तब तक लोगों का झगड़ा हो जाता है। तो इस झगड़े के अंदर क्या करना है, क्योंकि लोग इतने सताए हुए तड़पते हुए हैं, और जिसके मन में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, और भगवान अगर ऐसा कहेंगे ये था माम प्रपद्यन्ते ताम स्तथे वो भजामि हम, तो लोग बोलेंगे अकेले ही खड़े रहो भाई, यू नो, हमारे को तो क्या है कि बिना योग्यता के हमारे को चीज चाहिए, बहुत सारा योग्यता ग्रहण करने बैठेंगे हमारे से होगा नहीं, क्योंकि हमारी हालत ही वैसी है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए, और उन्होंने सोचा कि देखो ये जो कलयुग के जीव है इतना आसान नहीं है उनके लिए, भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, उनको अगर मैं बोलूँगा कि बैठ के तपस्या करो तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? यज्ञ करने की उसमें सुविधा, अभी देखो हम लोग इतना छोटा रूम में ऐसा चिपक चिपक के बैठे हैं, यू नो, कहाँ पे यज्ञ करने के लिए किसको फुर्सत है, टाइम है, 16-16 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं, उस काम करने के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है हमारे को सोने का और खाने का और नहा धो के तैयार होने का, है ना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है लोगों के पास में, किधर भक्ति करेंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए कृष्ण ने सोचा कि मैं रसिक आचार्य हूँ, यू नो, मैं कैसे लोगों को अपना रस दे सकता हूँ। तो सबसे पहले तो भगवान खुद अपने रस का आस्वादन करना चाहते थे, क्योंकि जब भक्तों को देखते थे कि भक्त इतना खुश हो रहे हो उनको देख देख के, तो भगवान सोचते थे कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, पहले तो मुझे आस्वादन करना है और फिर दूसरों को बांटना है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो दाता शिरोमणि है, वो जो आए हैं तो यहाँ पर ऐसे बताते हैं कि आपने करे आस्वादन सिखाइला भक्त गण, बोलेगा पहले तो कृष्ण प्रेम का आस्वादन किसने किया, आप सबका ध्यान इधर है, सबसे पहले कृष्ण प्रेम का आस्वादन कौन करना चाहता था, वो खुद कृष्ण खुद करना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण को आस्वादन नहीं मिल रहा था। तो कृष्ण ने सोचा कि पहले मैं आस्वादन करता हूं, क्यों कृष्ण को आस्वादन नहीं मिल रहा था, पहले मैं आपको यह छोटी सी बात बता देता हूं। तो ऐसा है कि संत तुकाराम महाराज तीन उदाहरण देते हैं कि क्यों कृष्ण अपने प्रेम का आस्वादन नहीं कर पा रहे थे, है कि नहीं? तो पहला उदाहरण है लोटस कमल का, कमल के अंदर बहुत रस होता है, और कमल एक ऐसा इस भौतिक संसार के अंदर भी ऐसा भगवान का बनाया हुआ ये इतना अद्भुत क्या बोलते सृष्टि है भगवान की, इसलिए भगवान को कंपेयर करने के लिए भी कमल का यूज होता है। वैसे भगवान को किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, और भौतिक जगत की कोई वस्तु भगवान के साथ कंपैरिजन में नहीं लाई जा सकती है, कि नहीं? कोई चीज से हम भगवान को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग भौतिक है, हम लोग आध्यात्मिक चीज नहीं समझ सकते, तो उस आध्यात्मिक को समझने के लिए भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए सबसे उत्तम वस्तु जो है जो हमको दिखाई देती है वो है कमल, इसीलिए भगवान को कहते हैं, भगवान का हर अंग जो है वो कमल के भांति है,
इसके लिए भगवान को कमल से उपमा दी गई है, है ना। यम स्मरण पुंडरी काक्ष, मतलब भगवान की जो आंखें हैं पुंडरिक काक्ष, पुंडरिक का मतलब होता है कमल, वो कमल के जैसी है, भगवान की आंखें कमल के जैसी है, भगवान के होठ जो है वो कमल के जैसे हैं, भगवान के हाथ जो है उसको बोलते हैं कर कमल, भगवान के हाथ कमल के जैसे हैं, भगवान के पैर जो है उसको बोलते चरण पद्म, या यू नो उनके जो पैर है वो कमल के समान है, उनकी नाभि जो है वो कमल के समान है, उनका मुख जो है वो कमल के समान है। इसलिए कुंती महारानी भी जब प्रार्थना करती है तो ऐसा कहती है कि नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राये, नमस्ते पंकजांग्रहे। वो कहते हैं कि नमो पंकज नाभाय, पंकज का मतलब होता है कमल, पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब होता है जो पैदा होता है, तो जो कीचड़ से पैदा होता है उसको पंकज बोलते हैं, कमल। नमो पंकज नाभाय, कि भगवान की नाभि जो है वो कमल के समान है। नमो पंकज मालिने, भगवान ने जो माला पहनी है वो कमल की माला है। नमो पंकज नेत्राय, भगवान के नेत्र जो है वो कमल के समान है। और नमस्ते पंकजांग रहे, और भगवान के सारे अंग जो है वो कमल के समान है। तो कमल की उपमा दी है, तो बोले कमल में बहुत रस होता है, लेकिन कमल उस रस का आस्वादन नहीं कर सकता। उस कमल के रस का आस्वादन कौन करता है? आप लोग गार्डन में गए रहेंगे, खेत में गए रहेंगे, कमल को देखा है? कमल का रस कौन निकालता है? नहीं देखा? या भमर, भवरा, भवरा जो है वो कमल पे जाके बैठता है और उस कमल के रस को वो खींचता है, या मधुमक्खी जो है उस कमल के रस को जो है निकालती है और फिर जाके उसका शहद बनाती है क्या? नहीं, तो कमल है लेकिन अपने रस का आस्वादन खुद नहीं कर सकता, उसका आस्वादन कौन करती है? मधुमक्खी, है क्या? नहीं, और ऐसे बताते कि हमको भी अपने जीवन में मधुमक्खी के जैसा होना चाहिए। दो प्राणी है, एक है मक्खी और एक है मधुमक्खी। मक्खी और मधुमक्खी में क्या अंतर है? मधुमक्खी की विशेषता यह है कि आप पूरा का पूरा कूड़ा करकट किधर भी डाल दो, पूरा कचरा कहीं पे भी डंप कर दो, लेकिन उसमें अगर एक गुलाब का फूल है या एक कमल का फूल है तो मधुमक्खी पूरे कचरे में घूम घूम के जाएगी, लेकिन बैठेगी किधर? फूल के ऊपर, गुलाब के फूल पे या कमल के फूल पे। उसके विपरीत अगर मक्खी है तो कितना भी अच्छा गार्डन है, मिराकल गार्डन जिसमें लाखों करोड़ों फूल है, और मक्खी उसमें घूमते रहती है, लेकिन जहां पर विष्ठा, यहां पर मल होता है, वो वहीं पे जाके बैठती है। शरीर कितना भी सुंदर अच्छा है, मक्खी घूमते रहती है, लेकिन अगर जिधर हमको चोट लगी है, जिधर नासूर हुआ है, जिधर से पीस पीप निकल रहा है, वो मक्खी उधर ही आके बैठती है। तो मक्खी का स्वभाव होता है कि कितना भी अच्छा वातावरण हो लेकिन वो खराब जगह पे जाके बैठती है। और मधुमक्खी कितना भी कैसा कुछ खराब भली वातावरण क्यों ना हो, वो अच्छी जगह पर जाकर बैठती है। इसके लिए हमको जीवन में मधुमक्खी के जैसे होना चाहिए, है कि नहीं? चाहे इस दुनिया में कितना भी कुछ है, लेकिन एक चीज अगर अच्छी है तो उसे एक चीज को पकड़ना चाहिए, और वो चीज भागवत ने बताई है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित को भागवत सुनाते हैं तो कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन, कि हे राजन, ये कलयुग के अंदर दोष ही दोष भरे हुए, कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंदर। लेकिन आगे कहते हैं कि कलर दोष निधे राजन, अस्ति ही एक महान गुणा, लेकिन एक महान गुण है कलयुग के अंदर, वो क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत, कि कीर्तन के द्वारा इस कलयुग के अंदर आप मुक्त हो सकते हो, आप कीर्तन को ले लो, है कि नहीं? तो ये बात बताते हैं वो, तो वह मधुमक्खी के जैसे। तो मधुमक्खी एक गुलाब पर जाकर बैठती है, उसका रस निकालती है, लेकिन उस रस का आस्वादन गुलाब या कमल नहीं कर सकता। जिस प्रकार से गाय का दूध होता है इतना शुद्ध पौष्टिक, लेकिन गाय अपने दूध का आस्वादन खुद नहीं कर सकती, उसका आस्वादन कौन करता है? बच्चा करता है, बछड़ा करता है। उसी प्रकार से समुद्र के अंदर सीप में मोती होता है, लेकिन वो मोती वो किसको मिलता है? समुद्र के अंदर होता है लेकिन सीप को मोती मिलता है, समुद्र उसको नहीं ले पाता है, और उस मोती का आस्वादन कोई और करता है जो उस माला को धारण करता है। तो उसी प्रकार से, या फिर एक और आपको मैं एग्जांपल दूं कि जैसे रसगुल्ला है, आप सब लोग को रसगुल्ला पसंद है? बंगाल से है, आपको तो पसंद ही होगा, है क्या नहीं?
तो रसगुल्ला है, लेकिन रसगुल्ला का आस्वादन खुद रसगुल्ला नहीं कर सकता, है ना। रसगुल्ला में दूध है, शुगर है, लेकिन रसगुल्ला खुद अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकता, उसको कौन टेस्ट करता है? जी जिह्वा। वैसे जिह्वा का कोई अपने आप में आकर्षण नहीं है, है ना। कभी कभी किसी को तो जीभ, किसी को चिढ़ाना होता है तो भी हम लोग अगर के जीभ बताते, राइट, ऐसा किसी को जीभ दिखाओ अच्छा लगेगा, क्या चमड़ा है, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन भगवान ने इसके अंदर ऐसा रस दिया है कि आस्वादन करने की शक्ति है, तो रसगुल्ला अपने आप में आस्वादन नहीं कर सकता, लेकिन आस्वादन कौन करती है? जीवा करती है। भगवान कौन है? रसगुल्ला। भक्त लोग कौन है? जीव। भगवान कमल है, भक्त कौन है? मधुमक्खी। जीव नहीं, मधुमक्खी ना? भगवान वो कौन है? गाय है। और भक्त कौन है? उसके बछड़े। भगवान रसगुल्ला है, भक्त उनके जीव। तो जीव को बहुत आस्वादन मिलता है, भगवान को आस्वादन नहीं मिल रहा था, तो भगवान ने सोचा यार मैं भी कुछ करता हूँ, मेरे को भी आस्वादन चाहिए, क्योंकि मेरे को देख देख के राधा रानी और गोपियां इतना खुश क्यों होती है, भक्त इतने खुश क्यों होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं भक्त का रूप लेके आऊंगा, है कि नहीं। जब मैं भक्त का रूप लेके आऊंगा तो मैं अपने आप को आस्वादन कर पाऊंगा। आपने करी आस्वादन सिखाईला भक्त गणे, तो क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आपने करी आस्वादन, अपने आप को आस्वादन करने के लिए और दूसरे भक्तों को सिखाने के लिए। क्योंकि सबसे बेस्ट डिवोटी कौन हो सकता है? भगवान। भगवान ही सबसे बेस्ट है हर चीज के अंदर। तो अगर किसी को बेस्ट बताना है तो बेस्ट डिवोटी का भी एग्जाम्पल करेंगे। जैसे समझो बेस्ट मछली कौन सा है? मत्स्य अवतार। ऐसे बताते हैं कि 800 मील लंबा इतना बड़ा मछली था, यू नो, सुअर जो होता है, सुकर समझता है, सुअर, सुअर कोई अच्छा प्राणी नहीं है, लेकिन जब भगवान सुअर के रूप में आते हैं तो वो सबसे अच्छे प्राणी हो जाते हैं। जब भगवान शुकर रूप में आए थे, भगवान कछुए के रूप में आए, सबसे ब्यूटीफुल कछुआ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, भगवान बोलते हैं कि अगर शस्त्रधारी में अगर कोई सबसे टॉप मोस्ट है तो वो भगवान राम है, है कि नहीं। तो हर चीज के अंदर बेस्ट कौन है? भगवान है। तो बेस्ट का अगर एग्जाम्पल देना है, नहीं तो अगर हमारे जैसा कोई डिवोटी रहेगा तो हमारे में तो कितना फॉल्ट है, है कि नहीं। अपने आप को हम लोग कांच में देख के भले बड़े खुश होते रहेंगे, लेकिन अंदर झांक के देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारा लफड़ा है कि नहीं। तो बेस्ट एग्जाम्पल दिखाने के लिए भगवान आते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। आपने आशीरी है ना, दूसरों को जग को सिखाते हैं कि आपने करी आस्वादन सिखाईला भक्त गणे प्रेम चिंता मणिर प्रभु दानी। और प्रभु क्या दान करने के लिए आए? प्रेम चिंतामणि। चिंतामणि क्या होता है मालूम है आपको? चिंतामणि वो पत्थर होता है कि जो किसको मिल जाए तो चिंता करने मात्र से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आप उस चिंतामणि पत्थर को कहीं पर टच करो तो ये जो लकड़ा है ये सोना बन जाएगा, है ना, और पूरा का पूरा गोल्ड हो जाएगा वो चिंतामणि। तो प्रेम चिंतामणि का दान करने के लिए आए हैं। नहीं जाने स्थान स्थान यारे तारे कैला दान। वो दानी व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी दान करने वाला भी 10 बार सोचता है कि मैं किधर दान करूं। और भगवान तो बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल बताए दान के बारे में कि दान हर जगह नहीं करना चाहिए। जहां पर दान भी 3 प्रकार का होता है, दान सतोगुण में, दान रजोगुण में और दान तमोगुण के अंदर। अरे आप किसी शराबी को दान दोगे तो वो तमोगुणी दान हो जाएगा, यू नो, किसी को मार काटने के लिए या टेररिज्म के लिए दान दोगे तो रजोगुणी दान हो जाएगा। लेकिन एक ब्राह्मण को, एक वैष्णव को, एक भगवान के भक्त को और भगवान का संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए अगर दान दोगे तो वो सबसे अच्छा दान है, है कि नहीं। किसी को भूख मिटाओगे तो सतोगुणी दान हो जाएगा, किसी को शेल्टर दोगे, किसी को खाना दोगे तो सतोगुणी हो जाएगा। लेकिन हमको दान भी करना चाहिए सतोगुण से ऊपर उठ के भगवान के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं देखना है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं महावदन्याय, हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे अभी कि क्यों चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है। क्यों? क्योंकि नाही जाने स्थान स्थान यारे तारे कैला दान। महाप्रभु दाता शिरोमणि, वो दाता शिरोमणि है, दानवीर में सबसे श्रेष्ठ, आज तक उनके जैसा दानी नहीं हुआ है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपने आप को दान कर दिया। कृष्ण ने बहुत सारी चीजें लोगों को दी, सुदामा उनके पास में आया, मांगा कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान ने समझ लिया और भगवान ने उसको बहुत बड़ा हवेली, बहुत बड़ा महल अपने जैसा दान में दे दिया। ऐसे बहुत सारे भगवान के दानी मतलब आए, जिसके अंदर भगवान दान करते गए, लेकिन भगवान ने कभी अपने आप को दान में नहीं दे दिया या अपना प्रेम दान में नहीं दे दिया। क्यों भगवान अपना प्रेम दान में नहीं देते हैं? क्योंकि जिसको भगवान प्रेम देते हैं उससे बिक जाते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ। इसके लिए भगवान क्या करते हैं, इतना आसानी से किसी को प्रेम नहीं देते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने दान दिया और बहुत जबरदस्त दान दिया, अपने आप को दे दिया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिशे नमन। तो जब कहते हैं कि नमो महावदन्याय, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब रूप गोस्वामी ऐसा चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं कि यार तुम मुझको महावदन्याय क्यों बोल रहे हो, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, है कि नहीं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कैसे थे, सन्यासी के रूप में थे। सन्यासी के रूप में आए थे, जब रूप गोस्वामी उनको मिले थे तो कहते कि मैं खुद ही विरक्त आदमी हूँ यार, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, है ना, मेरे पास तो एक कमंडलू और एक डंडा, दो ही है। नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धर, नदिया नगर दंड कमंडलू कर। तो बोले कि वो नीलाचल के अंदर जब जगन्नाथ के रूप में होते हैं तो नीलाचल शंख चक्र गदा पद्म धर के हाथ में चार चीज है उनके, शंख चक्र गदा और पद्म है उनके। लेकिन जब वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो क्या होते हैं के नदिया नगर दंड कमंडलू कर, के हो बोले पूरबे रावण बधिला, गोल केर वैभव लीला प्रकाश करिला, श्री राधा भावे रे गोरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौर करिलो प्रचार, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन कौर जार चरण वंदन। अरे मैं तो भिखारी हूँ यहाँ पे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाली एक डंडा और एक कमंडल लेके घूम रहा हूँ, तुम मुझे महावदन्याय क्यों दे रहे हो? तो रूप गोस्वामी कहते हैं क्योंकि आप कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप क्या कर रहे हो, आप कृष्ण का प्रेम दे रहे हो, वह प्रेम जिसको नहीं मिलता है। भगवान के केवल दर्शन करने के लिए, भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए कितनी सारी लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो कहते हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए हजारों हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती है, तब जाके भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। जे पद पाईया शिवा शिवत्व लभिया, जे पद पाईया ब्रह्मा कृतार्थ होइया, जे पद पाईया रमा तपस्या करिया, ते पद नारद मुनि हृदय धरिया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के उस पैर को प्राप्त करने के लिए, उनकी शरण प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, लक्ष्मी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब जाके भगवान के पैर में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लक्ष्मी क्या करती है, नारायण के पैर में बैठ के उनके पैर दबाती है कि नहीं, क्षीर सागर के अंदर नारायण के पैरों में रहती है। हम लोग सब लक्ष्मी के पीछे भागते भागते आबू धाबी आ गए हैं, है कि नहीं, लेकिन लक्ष्मी किधर बैठी हुई है, नारायण।
तो अगर नारायण को पकड़ेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएंगी, लक्ष्मी के पीछे पीछे भागेंगे तो भाग जाएगी, है कि नहीं? ऐसे होता ना कि बस के पीछे पीछे भागोगे तो बस निकल जाएगी, वैसे ही है। तो भगवान के चरणों को सेवा के लिए हजारों साल तक लक्ष्मी ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए भगवान के पैरों की, उनको जब आश्रय मिला, भगवान शिव को अपना शिवत्व भगवान के चरणों की वजह से मिला। वही चरणों की का चरणामृत शिव जी अपने सर पे धारण करते। शिव जी अपने सर पे क्या धारण करते हैं? भगवान का चरणामृत। भगवान का चरणामृत क्या है? गंगा। तो गंगा जब निकली, जब वामन देव ने अपना पैर बढ़ाया त्रिविक्रम के रूप में और कारण सागर को जब चीर दिया, तो वहां से गंगा उत्पन्न हुई। और जब गंगा उत्पन्न हुई तो इतनी वेग से सीधा आ रही थी कि धरती पे गिरती तो सीधा पाताल के अंदर चली जाती थी। उस गंगा को बचाना था, उस गंगा को बचाने के लिए भोलेनाथ महादेव वह सामने आए और उन्होंने क्या किया, उस गंगा को अपनी जटाओं पे धारण किया। क्यों धारण किया? क्योंकि वो जानते थे कि विष्णु के पैर से निकली। गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, गंगा का एक नाम है जानवा, मतलब वो जानू मुनि की पुत्री है। एक नाम है भगीरथी, क्योंकि उसको भगीरथी मुनि ने लाया था, इसके लिए उसको भगीरथी कहते हैं। वैसे ही गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। तो विष्णु के पद से निकली है। तो वो चरणामृत भगवान ने शिव ने अपने सिर पे धारण किया। और ते पद नारद मुनि हृदय धरिया, बोले कि वो पैर को भगवान के नारद मुनि हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं। से पद, तो वो कहते हैं कि ऐसे पद की मैं प्रार्थना करता हूँ। कौन? देखो न बुझिनु प्रभु तुमार चरण अशोका भयामृता पूर्ण सर्वखान। तो बोलते कि वही पैर को मैं अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ। तो वे भगवान के पैर को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तपस्या करना पड़ता है, लेकिन प्रेम फिर भी प्राप्त नहीं होता कई बार। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि अरे तुम तो ऐसा आदमी है, ऐसा महावदन्या है कि आप क्या कर रहा है, आप तो कृष्ण प्रेम फोगड़ में दे रहा है और स्थान स्थान कुछ भी नहीं देख रहा है। यारे कारे दैला दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि, वो बहुत बड़े दाता है, बहुत बड़े दानी है और उनके जैसा इस दानी इस दुनिया में कुछ हुआ नहीं है। तो वो कह सकते हैं कि देखो कृष्ण जो थे, कृष्ण प्रेम तो खाली कृष्ण के पास होगा, है ना, मैं किधर कृष्ण है? और कृष्ण तो काले रंग के थे, मैं तो गोरे रंग का है। तो बोले कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कि आप वही कृष्ण हो लेकिन आप अभी कैसे आए हो, सफेद रंग लेके आए हो, गोरा रंग लेके आए हो, लेकिन आप वही कृष्ण हो और आपके शुद्ध भक्त जो है वो आपको पहचान लेंगे। आप चाहे कितना भी छिपने की कोशिश करो, आप भले ही काला रंग ना लेके आओ, नीले रंग में ना आओ, लेकिन आपका जो भक्त होगा वो आपको पहचान लेगा। जैसे एक कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक को पहचान लेता है कि नहीं? आपने देखा है, अगर किसी ने कुत्ते को देखा रहेगा, पालतू कुत्ता होगा, तो जैसे ही मालिक घर के अंदर आता है तुरंत कुत्ता उसके ऊपर जंप मार के उसको लाड़ करने लगता है। तो मालिक चाहे सूट कोट पैंट पहन के आवे, मालिक चाहे धोती कुर्ता में आवे, मालिक चाहे शॉर्ट्स पहन के आवे या मालिक चाहे नंगा आवे, कुत्ता पहचानेगा? पक्का? 100% लॉक कर दिया जाए, पहचानेगा कुत्ता, राइट? मालिक चाहे कोई भी ड्रेस पहन के आएगा, चाहे वो कोट सूट पहनेगा, चाहे कंदूरा पहन के आएगा, चाहे वो शॉर्ट्स में घूमेगा, चाहे वो कैसा भी नंगा होके आ जाएगा, या कोई भी होली खेल के भी आएगा, पूरा काला पीला लाल धाल सब कुछ होके आएगा, फिर भी कुत्ता उसको बरोबर पहचानेगा। तो भगवान का भक्त जो होता है ना, वो एग्जैक्टली भगवान को पहचान लेता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप कितना भी छुपने की कोशिश करो, हम आपको पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि यार मेरे को अगर आना है, मैं हूं तो काला कृष्ण के रूप में, लेकिन मेरे को तो अभी वैसा आऊंगा तो कलयुग के अंदर कैसे मैं, इसके लिए भगवान ने क्या क्या, होली के दिन आए, आज क्या है, होली धुलेटी, आज धूलि वंदन है। तो भगवान ने क्या किया कि पूरा अपने आप को पीला विला विला रंग लगा के फिर आ गए यहाँ पे होली के अंदर, कि हमको कोई पहचानेगा नहीं,
कभी कभी हम लोग होली खेल के आते हैं तो घर वाले हमको पहचान नहीं पाते है क्या नहीं, लेकिन कुत्ता बरोबर पहचान लेता है। तो वैसे ही भगवान कैसे भी आए, बाहर के दुनिया वाले उसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त उसको पहचान लेंगे। चाहे भगवान होली खेल के आए या भगवान कुछ भी करके आए, भगवान के भक्त जो होंगे वो उनको पहचान लेंगे, वो ओरिजिनल भगवान है। तो भगवान बहुत ही विशेष वर्ण लेके आए, गोल्डन है क्या नहीं। और भगवान जब गोल्ड रूप में आए थे तो सोनार पर्वत जेने धूले ते लौटाए। अरे ऐसा सोने का भगवान का ही आकर्षण था कि जब वो कीर्तन करते थे तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे भगवान का कीर्तन देख के। चौथी के ते सब लोग बोले हरी हरी, प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरी, के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमा देगे मध्य नित्य करे स्त्री वृद्ध अवाल। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, ऐसा धमासान एकदम उनका नृत्य होता था। तो कहते कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ, प्रेमा वैसे कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन। तो चैतन्य महाप्रभु जब डांस करते थे तो लोगों का आश्चर्य होता था, चमत्कार हो जाता था, और ऐसा जोर से ऊपर उड़ते थे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना कीर्तन करते करते कि सारे के सारे लोग उनका दर्शन कर पाते थे। और ऐसा रूप, ऐसा नृत्य, ऐसा ध्वनि देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक बार राजा प्रताप रुद्र ने अपने गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा, ऐसे नृत्य ऐसे प्रेम ऐसी हरि ध्वनि, कहीं नहीं देखी यार कहीं नहीं सुनी। कि क्या हो रहा है, क्या कीर्तन कर रहे हैं, कुछ मतलब क्या अद्भुत है एकदम। ऐसा कीर्तन के अंदर वो पागल हो जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब शिवास और उनके भक्तों के साथ में जब कीर्तन करते थे रात के अंदर, एकदम भाव विभोर हो जाते थे और लोग इतना खो जाते थे कीर्तन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीर्तन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु कि उनका कीर्तन सुन के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, और जो कीर्तन करता था वो पागल हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु को भी कहा कि कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारा बल, जपिते जपिते मंत्र होइला पागल। अरे मैं पागल हो रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में। और ऐसा पुलक अश्रुश्वेद कंप यावत पठन, ऐसा होता था पुलक अश्रुश्वेद कंप, पूरा का पूरा उसका शरीर के अंदर ऐसा विकार होने लगता था कि वो भगवान का प्रेम वो जो है वो भगवान को भगवान का नाम करने पे मिलता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जहां जाते थे जहां देखते थे हर किसी को कहते थे कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र लेने के लिए कहते थे और सबको इंड्यूस करते थे टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया और उनको कहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, अमर आज्ञा जाओ करी हो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाओ करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण सिखा। तो बोले कि जाओ सबके घर में जाओ, हर एक का द्वार खटखटाओ, भारत भूमि ते जन्म होइले मनुष्य जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, जाओ पर उपकार करो सबका द्वार खटखटाओ, सबको जा जाके कहो कृष्ण तुम्हारे माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है, कृष्ण तुम्हारे प्राण धन है, आप कृष्ण का भजन कीजिए कृष्ण का आश्रय लीजिए, क्योंकि कृष्ण ही तुमको बचा सकते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। सो जाके सबको कहते थे कि जाओ कृष्ण के बारे में सबको कहो, सबको बताओ कृष्ण के बारे में। और इस प्रकार से प्रेमावेश होके और हर किसी को कृष्ण का प्रेम बांटते थे, और जिसको कृष्ण प्रेम देते थे जिसका आलिंगन करते थे वो व्यक्ति पागल हो जाता था। जैसा चैतन्य महाप्रभु पागल थे वैसा किसी और को पागल कर देते थे, और वो पागल होके और फिर दूसरे को जाता था और दूसरे को हाथ लगाता था, उसको हरे कृष्णा बोलता था, वो पागल हो जाता था।
ऐसा पागल होते होते पूरा का पूरा गांव पागल हो जाता था, और सारा का सारा गांव पागल होके क्या करता था, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा लोगों को कृष्ण प्रेम में पागल कर देते थे। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि ऐसा कौन होगा। भगवान ने भी इतना आसानी से किसी को कृष्ण प्रेम नहीं दिया, मुक्ति दिया, भक्ति नहीं दिया, क्योंकि भगवान बिक जाते हैं। लेकिन आप आए हो, वो बॉटल जिसके अंदर मधु भरा हुआ है, जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था और लोग बाहर से लिख कर रहे थे, उस ढक्कन को आपने आके खोला है, वो की आपके पास में है। क्यों आपके पास में है? क्योंकि आप ही कृष्ण हो और आप ही कृष्ण के भक्त हो। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भगवान का रूप भी आप हो और भक्त का रूप आप लेके आए हो, और इसके लिए आप महावदन न्याय हो और आप सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हो। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, और आप ही कृष्ण चैतन्य हो। आप कृष्ण हो लेकिन कौन हो? चैतन्य हो। आप कृष्ण चैतन्य हो तो वो कहेंगे कि भाई मैं तो कृष्ण नहीं हूँ, कैसे आप बोले कि नहीं आप ही कृष्ण हो। आप कृष्ण हो, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, नामने चैतन्य का नाम लेके आए हो, गौर तुषे नमः, और आपके मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप ही है पूरी दुनिया को आप कृष्ण प्रेम बांट रहे हो और सभी को कृष्ण प्रेम दे सकते हो, और किसी का पात्र नहीं देख रहे हो। ऐसे जगाई और मधाई जो कि लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड, सबसे गिरे हुए लोग थे, उनको भी उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। तो तार साक्षी जगाई मधाई, तो हरी हरी विफल जन्म गुनाइनु मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। तो बोले कि जानबूझ के लोग विष खा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, यत जत हरि छिलो हरि नाम उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। आपने कुछ पात्र पात्र ना देखी स्थान स्थान कुछ नहीं देखा, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, आपने सभी को कृष्ण प्रेम दे दिया। इसके लिए आप महावदन्याय हो। और अगर चैतन्य महाप्रभु हमारे को ये प्रेम नहीं देते तो हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी इस प्रेम को प्राप्त करने की। इसीलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं, यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोन धरी तांदे। बोले अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता, कौन हमको सिखाता, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानी तो के। वासुदेव कहते हैं कि ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है ये हमको कौन सिखाता, कौन बताता हमको। वो कहते हैं सबको कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, तो सभी को कहते हैं कि गाओ गाओ पुनः चैतन्य रघुन सरल करी अमन ए भाव सागर ए मोन दयाल ना जानिए। वो बोले कि कौन इतना दयालु होगा जो मार भी खाता है और प्रेम भी देता है ना। एक भजन में कहते हैं कि दयाल तो नाई है, दयाल तो नाई है, मार खे प्रेम दे दयाल तो नाई है, कि मार भी खा रहा है और प्रेम भी दे रहा है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु है। दो सोचो, मार खे प्रेम दे दयाल तो नाई है। वो आए हैं, वो कहते हैं कि भजो भजो भाई चैतन्य निताई सरल करी अमन, के चैतन्य महाप्रभु उसका नाम लो, उसकी भजन करो, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा जो है वो सौभाग्य है। यदि गौर न हुई तो तबे के हुई तो केमो ने धरी तान दे। और ये परम करुणा, ये दोनों जो है ये सब सार अवतार, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। बोले कि ये सार शिरोमणि है, ऐसा दान किसी ने नहीं दिया आज तक, ना कृष्ण ने ना राम ने। कृष्ण जो है वो प्रेम परायण है, राम धर्म परायण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा परायण है, करुणा परायण है, और वो किसी को भी करुणा करके दे सकते हैं। तो हम सब, हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, हम लोग को तो भगवान का प्रेम मिलने का कोई दूर दूर तक साधन नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु है, हमको उसका आश्रय है।
तो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भक्त जैसे नित्यानंद प्रभु, वो उनसे एक स्टेप और आगे हैं, वो और महाबदन्या है। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने तो एक जगह ही मधाई का उद्धार किया था, है ना, उस समय जब आए थे। लेकिन अभी इस कलयुग में तो हजारों जगाई मधाई, करोड़ों जगाई मधाई है। ऐसे सब जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को भेजा। तो शिला प्रभुपाद जी आए और हमारे जैसे असंख्य जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी कि मोर सेनापति, मेरा एक सेनापति आएगा और वो सभी पृथ्वी थे आथे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। आप सोचो, किसने सोचा था मुसफ्फा के अंदर हरिनाम का प्रचार होगा, हरिनाम का कीर्तन होगा। ये किसकी देन है? शिला प्रभुपाद की। जय शिला प्रभुपाद की। तो शिला प्रभुपाद जी 70 बरस की उम्र में वो अमेरिका गए और ऐसे अमेरिकी नशेड़ी लोगों को पहले भक्त बना के और इतना दान दिया कि उनको पूरा शुद्ध प्रेम देके और भक्त बना के लेके आए और बाद में फिर भारत के अंदर प्रचार किया। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से भारत में और दुनिया के अंदर हर कोने के अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो बह रही है। बोलो शिला प्रभुपाद की। तो हमको शिला प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनसे भी कृपा की याचना करनी चाहिए। आज श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है और इस दिन भगवान बहुत ही कृपामय होते हैं, जो कुछ मांगता है वो दे देते हैं। लेकिन हमको फालतू चीज नहीं मांगनी है, हमको भगवान से ये मांगना है कि हे भगवान, मुझे आपका प्रेम दीजिए और सेवा करने की जो इच्छा है वो मुझे दीजिए, ताकि मैं सेवा कर सकूं, मैं आपका प्रेम प्राप्त कर सकूं और अपने जीवन को धन्य कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की। जय श्री नित्यानंद प्रभु की। जय शिला प्रभुपाद की। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।